हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज रंजीत। आज मैं आलू बड़ी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए कढ़ाई में 1.5 स्पून जितना तेल लिया है मैंने। ये घर की बनी हुई आलू की बड़ियाँ हैं, तो इसको कढ़ाई में अब डाल लेंगे और इसको फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से 1 स्पून तेल डालेंगे और उसमें ये पंचफोरन को डाल देंगे। क्रैकल होने तक इसको छोड़ेंगे और इसमें अब बेलीफ डाल देंगे। फिर इसमें रेड चिली भी डाल देंगे, मैंने 2 यूज़ किया है। अब इसमें प्याज और अदरक कटा हुआ, ये बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक डाल के इसको फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, इसमें थोड़ी हल्दी डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से ना प्याज थोड़ा जल्दी गलता है, क्योंकि हमने तेल कम डाला है ना, तो अभी नमक डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये प्याज थोड़ा श्रिंक हो गया है, इसको ना ऐसे प्रेस करते हुए भुनना है, तभी ये प्याज गलेंगे, क्योंकि तेल बहुत कम है इसमें। कलर अब इस प्याज का चेंज हो गया है, तो इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 स्पून। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे, ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के जो मैंने यूज़ किए हैं। अब इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने टमाटर अभी इसलिए डाला है ना कि धनिया पाउडर उसमें मॉइस्चर नहीं होता, नहीं तो वो जल जाता, तो मैंने टमाटर डाला है क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर इसको मिल जाए और ये जले ना। अब इसको प्रेस करते हुए चलाएंगे और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि मसाला फ्राई होने में हेल्प मिलेगा। इसको प्रेस करते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे सारे मसालों को। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा ना गलने लग गया है, तो अब इसमें 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसे प्रेस करते हुए ऐसे चलाएंगे, जिससे कि मसाले गल जाएं, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना गाढ़ा या जितना पतला चाहिए ग्रेवी। ऐसे इसमें पतली ग्रेवी ही बनाते हैं शुरू में, नहीं तो फिर बाद में गाढ़ा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लिया, मुझे कम लग रहा था। अब इसको ढक के रख देंगे उबलने के। अब इसको फिर से चेक करेंगे, अब इसमें उबाल आ चुका है, तो हम अपनी आलू की बड़ियाँ जो हमने फ्राई की हुई थी उसको डाल देंगे। फिर धनिया पत्ता भी डाल देंगे और सबको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढक के 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट अब हो चुका है, इसको देखेंगे हमारी आलू की बड़ियाँ रेडी हो गई हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।